हिंदुस्तान न्यूज टुडे में आपका स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबर शाहजहांपुर टोल प्लाजा से। करनाल में किसानों पर पुलिस लाठी चार्ज से एक किसान की मौत होने के विरोध में किसानों ने हाईवे टोल कराया मुक्त। अलवर जिले के शाहजहांपुर हरियाणा राजस्थान सीमा पर गत 9 माह से महापड़ाव डालकर आंदोलनरत किसानों द्वारा रविवार शाम को शाहजहांपुर हाईवे 48 के टोल टैक्स पर पहुंच टोल मुक्त करा दिया। टोल मुक्त कराने पहुंचे संयुक्त किसान मोर्चा अगुवा नेताओं मौजूदगी में शाहजहांपुर टोल प्लाजा पहुंचे आंदोलनकारी किसानों ने बताया कि हरियाणा सरकार द्वारा करनाल में टोल पर बैठकर केंद्र सरकार के विरोध में अपनी मांगों को लेकर शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन व आंदोलन कर रहे किसानों पर हरियाणा पुलिस द्वारा ताबड़तोड़ लाठियां बरसाई थी। लाठी डंडों के वार से सुशील कायल नामक किसान की मृत्यु हो जाने व दर्जनों किसान गंभीर रूप से घायल हो जाने की घटना से आक्रोशित किसानों द्वारा भाजपा सरकार के विरोध में बॉर्डर पर विरोध जताते हुए टोल मुक्त कराया। इस दौरान सभी वाहन फ्री में ही निकलते रहे। इस अवसर पर स्थानीय थानाधिकारी विक्रम चौधरी, नीमराना डीएसपी महावीर सिंह शेखावत, नीमराना एडिशनल एसपी की मौजूदगी में पुलिस व आरएसी जाप्ता शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए तैनात तो रहा। टोल करनाल के अंदर जो किसानों के साथ खट्टर सरकार ने जाति की है, जिसमें हमारा एक किसान शहीद भी हो गया। संयुक्त मोर्चा पहले तो हमारे जो शहीद हुआ है किसान, उसको शहीद का दर्जा मिले, ये लड़ाई लड़ेंगे। अभी ये लड़ाई हमारी बाकी है। बाकी तो उसी रोष में जो है, हमारे जो यहाँ के लोकल ट्रांसपोर्टर की जो रिपोर्ट थी, वो आए दिन हमको ये परेशान कर रहे थे कि भाई हम परेशान हो रहे हैं आपकी वजह से किसान का। हमने उनको बताया कि हमारी वजह से नहीं हो रहे हो, हमको तो खुद को हरियाणा गवर्नमेंट ने रोक के बिठा रखा है। हरियाणा गवर्नमेंट ने आपको बैरिकेड लगा के बंद कर रखा है। आप आइए, हमारा साथ दीजिए। हम तो चाहते हैं कि हरियाणा सरकार उस बैरिकेड को तोड़े और आप लोग सीधे जाएं। हमारा उससे नहीं, हम तो दिल्ली जाना चाहते हैं। रामलीला मैदान में किसान बैठना चाहते हैं। संयुक्त मोर्चा ये चाहता है।